हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है वेपल्स। वेपल्स क्या होता है आइए देखते हैं। अ सिंगल आइसोलेटेड डिस्टरबेंस ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड अ वेपल्स। एक सिंगल आइसोलेटेड माना अकेला डिस्टरबेंस जो किसी मीडियम में से ट्रेवल करता है तो हम उसको वेपल्स बोलते हैं। इसको कैसे जनरेट किया जाता है यानी ये कैसे बनता है। कंसीडर टू पर्सन होल्डिंग अपोजिट एंड्स ऑफ अ रोप। आप सपोज करो कि ये दो आदमी हैं जो इस रस्सी को दोनों तरफ से स्ट्रेच करके खड़े हैं। सडनली क्या होता है कि एक पर्सन एक एंड से इसको एक जर्क देता है। जर्क का मतलब है कि झटका देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक हम्प पैदा होता है। आप देख रहे हैं कि इस रस्सी के अंदर एक हम्प पैदा हो रहा है। इसको हम हम्प भी बोलते हैं और कभी कभी इसको बम्प भी बोला जाता है। दिस हम्प जो है इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द रोप ट्रेवलिंग टू द अदर पर्सन। ये फिर जब पैदा होता है तो ये अलॉन्ग द रोप ट्रेवल करके दूसरे आदमी की तरफ जाता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। इस हम्प को ही हम वेपल्स बोलते हैं। जो सिंगल जर्क में से पैदा हुआ है इसी को हम वेपल्स बोलते हैं। जब ये हम्प दूसरे आदमी तक पहुंचता है तो आप नोट करोगे कि उसके हाथ को लिफ्ट कर देता है। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल होता तो वो लिफ्ट हो जाता, यहाँ पर पार्टिकल नहीं है तो आदमी का हैंड है तो वो लिफ्ट हो गया। जिसमें से क्या जाहिर हुआ? इसमें से ये जाहिर हुआ कि इस वेव के अंदर, इस हम्प के अंदर या इस पल्स के अंदर एनर्जी थी जो आगे ट्रांसफ़र हुई और उसके हाथ को उसने लिफ्ट कर दिया। सो देयरफॉर वी से दैट वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो वेव्स जो हैं एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो हम्प होता है या ये जो वेव पल्स होता है ये अपना शेप रिटेन सिर्फ तब करता है, यानी ये इस रस्सी के अंदर जो हम्प पैदा हुआ है इसका शेप बरकरार सिर्फ तब होगा जब देर आर नो फ्रिक्शनल लॉसेस। इस रस्सी के अंदर या इसी स्ट्रिंग के अंदर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कोई हवा वगैरह नहीं चल रही, किसी किस्म के भी कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है। और दूसरी पॉइंट, द हाइट ऑफ द वेव इज़ नॉट सो लार्ज एज टू अफेक्ट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसकी हाइट बम्प की इतनी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है उस पर असरअंदाज हो। बेटा ये दोनों पॉइंट्स हमारे बुक में लिखे हुए हैं कि वेव पल्स तब अपना शेप रिटेन करता है जब फ्रिक्शनल लॉसेस भी ना हो और हाइट इतनी ज़्यादा ना हो कि रस्सी के अंदर टेंशन पर असरअंदाज हो। तो आई होप कि आप समझ गए हो, बिल्कुल सिंपल है व्हाट इज़ वेव पल्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं पीरियडिक वेव्स क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि सिंगल जर्क जो है, जब हम सिंगल जर्क किसी रस्सी वगैरह को देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ वेव पल्स पैदा होता है, वो पीरियडिक वेव्स पैदा नहीं कर सकता। तो पीरियडिक वेव्स कब पैदा होती हैं? जब कंटिन्यूस, रेगुलर और रिदमिक डिस्टर्बेंसेस हों। अगर हम किसी मीडियम के अंदर कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल्स पर और एक रिदम के साथ डिस्टर्बेंसेस पैदा करें तो ऐसी वाइब्रेशंस में जो वेव्स बनेंगी हम उसको पीरियडिक वेव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है वो एक पीरियडिक वेव्स बनाता है। ये एग्जांपल पंजाब टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है ये पीरियडिक वाइब्रेशंस करता है। इसके अलावा कोसाइन वेव जो होती है ये भी पीरियडिक वेव है और साइन वेव भी पीरियडिक वेव है। ठीक हो गया। तो पीरियडिक वेव्स में और वेव पल्स में क्या फ़र्क है कि सिंगल जर्क जो है वो क्या पैदा करता है? वो पैदा करता है वेव पल्स। और कंटिन्यूस, रेगुलर और रिदमिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो क्या पैदा करते हैं? वो पीरियडिक वेव्स पैदा करते हैं। और इसके एग्जांपल्स भी आपने देखे। अच्छा बेटा, हमको ये तो पता है कि वेव जो हैं वो इनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती हैं, तो क्या वेव मैटर को भी ट्रांसफ़र करती हैं? मैटर का मतलब है मास को ट्रांसफ़र करती हैं। तो आंसर है नहीं, वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट मैटर। ऐसा क्यों होता है आइए हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जब हम किसी पॉन्ड के अंदर, जिसके अंदर पानी खड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टिल वाटर, उसके अंदर हम एक पत्थर या पीपल गिराएं, तो क्या होता है? उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं और उस डिस्टर्बेंस की वजह से उस पानी के अंदर रिपल्स पैदा होती हैं।
ये गोल गोल जो सर्कुलर आपको वेव्स नज़र आ रही हैं, इसको हम रिपल्स बोलते हैं। अगर आप कभी गौर से आपने कभी देखा हो, इत्तफाक हुआ हो कि इसके ऊपर कोई पत्ता हो और उस पत्ते की मोशन को कभी आपने गौर से ऑब्जर्व किया हो, तो आप देखोगे कि ये जो पत्ता है ये साइडवेज मूव करता रहता है और अप डाउन भी मोशन करता रहता है, पर इट डज नॉट गोज एनी नेट डिस्प्लेसमेंट। ये कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं करता, बाहर की तरफ नहीं जाता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि ये जो रिपल्स हैं, ये वेव्स हैं, ये तो बाहर जा रही हैं, लेकिन इनके साथ पानी बाहर नहीं जा रहा। अगर पानी बाहर जाता तो पत्ता पानी के ऊपर है, पत्ता भी बाहर चला जाता, तो रिपल्स के साथ पानी बाहर नहीं जाता। अगर पानी बाहर जाता तो हम फिर बोलते कि मैटर भी बाहर जाता है। एग्जाम्पल में से हमने क्या सीखा कि जो वाटर है वो डिस्टर्बेंस के साथ कैरी नहीं होता, इसी वजह से पत्ता भी नेट डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। चलें इसको हम एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ये आप एक ट्रांसवर्स वेव देख रहे हो और यहाँ पर एक पार्टिकल है। अगर आप ज़रा गौर ना करें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, पर अगर आप गौर से देखें तो नोट करें ये पार्टिकल तो सेम लाइन पर ही ऊपर नीचे हो रहा है। वेव आगे जा रही है, वेव का मतलब है डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, पर पार्टिकल तो उसी लाइन पर आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, ये देखो नीचे जो मैंने ग्रीन वाला वेव पल्स लिखा हुआ है बिल्कुल इसके सामने है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। तो इसमें से क्या जाहिर होता है कि वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मेन लाइन पर ही अप एंड डाउन वाइब्रेट करते रहते हैं, ये डिस्टर्बेंस के साथ आगे नहीं जाते। आगे क्या जाता है? आगे डिस्टर्बेंस जाता है और वो डिस्टर्बेंस अपने साथ मोमेंटम और इनर्जी को कैरी करता है, पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है, जो मास होता है, अप एंड डाउन वाइब्रेट करता रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपने ये इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।